नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जयराम बुनकर निवासी खरेड़ा चौकी बिरदा थाना कोतवाली ललितपुर में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दिया और बताया कि मेरी पुत्री रानी उम्र 22 वर्ष जो कि शादीशुदा थी, दिनांक 16 जून को दोपहर 12 बजे घर से बाजार का कहकर निकली थी, तभी से वो घर नहीं आई है, जिसकी सूचना चौकी वृद्धा को दे दी गई थी। ये भी बताया कि पवन और कुंभ सिंह ग्राम भैसाई बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। मेरी पुत्री पूरा ससुराल का जेवर पहने हुए है और नकदी और 10,000 रुपए भी ले गई। अगर मेरी पुत्री को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार विपक्षी गण होंगे। इसकी सूचना उसी समय थाना कोतवाली महिला थाना अध्यक्ष और दिनांक 29 जून को आप पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दे दी थी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे पूर्ण संदेह है कि विपक्षी गण के पास मेरी पुत्री है और विपक्षी कुंभ सिंह को पूरी जानकारी है और वो मोबाइल पर भी बात करता है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नाम है आपका? क्या मामला है? हमारी बच्ची को 2 महीना हो गया, बोले ना पता है। कहीं कार्रवाई नहीं हुई? कोई कोई सुनाई नहीं है सर, कोई करी है सुनते ही नहीं है। रसीद साहब फोन दई, डीएम साहब फोन दई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर आई हैं आप? आज फिर आए साहब से मुलाकात हुई यहाँ आए हैं तो? नहीं भाई सर, मुलाकात फिर किसको दिया आपने? एप्लीकेशन मेहरा होना था, मैडम होती, मैडम का दिखा भीता धरे आ सोती धरे आए दरवाजे के सामने। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? आपने शिकायत की? आपने शिकायत की तो क्या कहा? उन्होंने कहा धर दो पत्थर के नीचे दबा दो बस, वो कुछ नहीं कही। कुछ आश्वासन नहीं दिया? कुछ कुछ नहीं दिया सर आश्वासन। कहाँ से आए हो, क्या मामला? खड़ेरा से आए हैं। मेरा नाम जयराम है, पिता का नाम ग्यासी है, मैं खड़ेरा का रहने वाला हूँ। ललितपुर मेला जिला ललितपुर लगता है, थाना लगता है ललितपुर, वो चौकी लगती है बिरधा। मैंने श्रीमान जी साहब रिपोर्ट लिखवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने एक बार महिला थाने में रिपोर्ट दी लिखवाई। किस बात की रिपोर्ट लिखवाई? बच्ची मेरी खो गई है, जो 4 जने हैं रेसू और पवन और लाखन सिंह गुड्ढे और जो ये गुजो का को जो है कुंभ सिंह, बाप का नाम सोन सिंह, जिनका कोई पता नहीं पड़ा, पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। ये लोग भी लापता हैं? नहीं साहब, पवन को लापता है, बच्ची को साथ में लिए हैं, आज तक पता नहीं है कोई। यहाँ एप्लीकेशन पहले दिया आपने? 2 बार दी मैंने एप्लीकेशन, कोई पता नहीं पड़ा सर। एसपी साहब को 2 बार दिया, कोई पता नहीं पड़ा सर। अब की नई सुनवाई होगी तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊँगा, उसकी रक्षा जी सरकार करेगी, मेरे बच्चे सरकार पालेगी। मैं गरीब आदमी हूँ, 1.5 एकड़ मेरे पास जमीन है सर, मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही।